आप लोगों की तो जमानत हो गई थी, तो अभी रिहाई नहीं हुई क्या? इस्लाम की खातिर लड़ी, इस्लाम की खातिर लड़ रहे हैं, किसी की बेटी को वरगला के उसके साथ धोखा करके, ये सारा को इस्लाम की खातिर कर रहे हैं। शर्म आ रही है, नहीं आ रही है, गैरत आ रही है, नहीं आ रही भैया? शब्बीर भाई आज तो विक्ट्री बना दो शंका। फिर भैया जहीर, ये जनाब इनके हाथों में हथकड़ियां जनाब, ये आप देख सकते हैं। से बचने के लिए और नादरीन जिस घड़ी का इंतजार था, 24 सितंबर की डेट दे दी गई थी, आप देख सकते हैं। फिर मैं ये कर कड़ियों में जो है नहीं बन रही है। नाज़रीन मैं हूँ फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन आज की वीडियो में ताखीर के लिए माजरत, और सबसे पहले जिस खबर का इंतजार न जाने कितने ही महीनों से किया जा रहा था, यानी कि अप्रैल से लेके सितंबर तक इंतजार करना पड़ा, यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और अब सितंबर, तकरीबन ये 4 से 5 माह का वक्त लगता है, और जिस खबर का इंतजार था वो बिल आखिर आज उस पर अमल दरामद को यकीनी बना दिया गया है। वो क्या खबर है? वो खबर यह है कि जो मगविया बच्ची जहरा काजमी है, उस केस में बड़ी ही अहम डेवलपमेंट सामने आई है। पहले तो यूं लग रहा था कि जैसे जहीर और शब्बीर पुलिस के बड़े ही कोई लाडले किस्म के मेहमान हैं, लेकिन अब आज पुलिस ने असल रंग दिखाया है तो उनके रंग भी उड़ गए हैं। जैसा कि जो मैंने इब्तदा में एक वीडियो लगाई है वो आपने देख भी ली होगी, और अब तक की सबसे अहम तरीन मैं ये समझता हूँ कि इस केस की बड़ी ये पेशरफ्त है। और पेशरफ्त क्या है जी, इसमें मैं कहता हूँ कि हम तो इस चीज़ के हामी हैं कि इक्वली सबको ट्रीट किया जाना चाहिए। इसमें कोई भी हो, वो जैद हो, बकर हो, कोई भी हो, ए जी बी कोई भी हो, सबको कानून सबके लिए एक है, और इसमें भी अब बिलाखिर ये नज़र आना शुरू हुआ है। आज की समाअत का हवाला आपके साथ रख देता हूँ जी, और इसमें हुआ ये है कि 4 मुलजमान को जो गिरफ्तार हैं उनको अदालत में पेश किया गया। अब आप इसमें कहेंगे कि 2 मुलजमान, एक गुलाम मुस्तफ़ा और एक जो असगर जो गवाह है, इनको क्यों पेश किया गया? तो जनाब इनको इसलिए पेश किया गया है कि इनकी अभी तक श्योरिटी जो है वो सबमिट नहीं हुई, इस वजह से इनको रिहा नहीं किया गया। हालांकि इनकी जमानत मंजूर कर दी गई है और उसके बावजूद ये रिहा नहीं हुए, तो आज इनको भी पेश किया गया, और जहीर एंड शब्बीर को भी पेश किया गया, और हथकड़ियां लगाकर पेश किया गया। मतलब जो काम ये होना चाहिए था कि जिस तरह बाग, मैं नहीं कहता कि हथकड़ियां लगाएं, मैं ये कहता हूं कि अगर लगानी है तो फिर सबको लगाएं, और या नहीं लगानी तो फिर किसी को भी ना लगाएं, लेकिन जिस तरह सिक्योरिटी प्रोटोकॉल दिया जाता था वो वाकई सवालिया निशान था। तो अब खैर इसमें जो ट्रीटमेंट मिला है वो वैसा ही ट्रीटमेंट है जो किसी भी आम कैदी को मिलता है। अच्छा जनाब, उसके बाद इसमें जहीर, शब्बीर, गुलाम मुस्तफ़ा और असगर, इन सबको जब अदालत में पेश किया गया, और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत में इस केस की समाअत हुई। पुलिस ने जनाब इसमें आज कुछ बंदे पकड़ के गिरफ्तार करने थे, जिसमें नूरा बीबी है जो जहीर की वालदा है, और उसके अलावा और भी कुछ लोग हैं, 6 मजमूई तौर पर लोग हैं जिनको गिरफ्तार करना था। उस पर बड़ी ही अनोखी किस्म की पुलिस ने एक जो है मनकत दी और मंतक दी, और मंतक क्या थी? मंतक यह थी कि जनाब सैलाब आया हुआ है, इस वजह से हम तो बंदे ला ही नहीं सके, वरना जब वो बच्ची को लाहौर पहुंचाना था तो जहाज पे बिठा के छोड़ आए थे। तो खैर एनीवेज, जब अदालत ने इनसे पूछा कि जनाब वो किधर हैं, उनको क्यों पेश नहीं किया गया, तो ये बताया गया कि सैलाब
और बारिशों की वजह से रास्ते जो हैं वो बंद हैं, और इन रास्तों की बंदिश की वजह से मफरूर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए हम जा ही नहीं सके। अब खुदा ना खास्ता ऐसा कोई काम नहीं हुआ कि पुलिस जो है लाहौर नहीं आ सकती कराची से, कि मुकम्मल तौर पर रास्ते बंद हो गए, लेकिन जाहिर है पुलिस का एक मौकफ है, पुलिस ने एक मौकफ लिया और वह अदालत में दिया, जिसके बाद अदालत ने रिपीट किया और अपना जो लास्ट हियरिंग का ऑर्डर था जिसमें वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे उसको रिपीट किया और हुक्म ये दिया कि जो नूर बीबी समेत जो 6 मुलजमान हैं उनको अरेस्ट करके 24 सितंबर को अदालत के रूबरू पेश कर दिया जाए। अब 24 सितंबर को इस केस की समाप्त होगी, उस केस में जो नई चीजें सामने आएंगी और पुलिस के ऊपर अब जाहिर है दबाव ये अदालत की जाने से बढ़ रहा है कि जनाब इनको पेश करें, और अगर पेश नहीं करती पुलिस आगे रिपोर्ट, जाहिर है इसमें कोर्ट ने तो गिरफ्तार नहीं करता, और पुलिस आके अगर ये रिपोर्ट दे देती है कि जनाब हम गिरफ्तार नहीं कर सके और इनके खिलाफ जो जाब्ता फौजदारी की दफा 87 की और 88 की जो कार्रवाई है इसको किया जाए, तो बस फिर मामला लटक जाएगा और उसमें ये होगा कि इनको इश्तिहारी डिक्लेयर किया जाएगा, फिर उसके बाद इनकी जो जायदाद जब्त की कार्रवाई होगी यानी कि 88 की कार्रवाई होगी, तो वह एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन यकीनन ये मुलजमान के लिए मुश्किल प्रोसेस जरूर है। और अभी देखते हैं कि इसमें बेल कब होती है, क्योंकि इस पे फैसला महफूज है, आपको मालूम है जहीर और शब्बीर की दरखास्त पे, और आने वाले दिन इस हवाले से बड़े इस केस को लेके क्रूशियल भी हैं कि न जाने इस केस में बेल होती है तो उसके बाद क्या होगा और वो जो बची है उसका मुस्तकबिल क्या होगा, लेकिन जाहिर है हम ये समझते हैं कि इस केस का प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन हो जानी चाहिए, क्योंकि इतने महीनों से एक मामला चल रहा है, इसको प्रॉपर अच्छे अंदाज में इन्वेस्टिगेट किया जाए, इन्वेस्टिगेट करके इस मामले को हमेशा हमेशा के लिए अब सेटल हो जाना चाहिए, क्योंकि आप लोग भी बार बार एक सवाल करते हैं कि न जाने इनको कन्विक्ट कब किया जाएगा, इनके किए की सजा कब मिलेगी, लेकिन जाहिर है ये तो अदालत ने शवाहिद देखने हैं, ट्रायल चलना है, उसके लिए चार्ज फ्रेम होना है, ये अभी एक लंबा प्रोसेस है, वो न जाने कब कंप्लीट होगा। बहरहाल इनकी जो गिरफ्तारी हुई है वो गिरफ्तारी हो चुकी है और उसके बाद अब जो है इस पर उन्होंने बेल के लिए अप्लाई भी किया हुआ है, उस पर आर्गूमेंट भी हुए हैं, अब देखते हैं कि आने वाले दिन इस हवाले से कैसे हैं। ये था नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग, अपनी दुआओं में याद रखिए, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद। आप लोगों की तो जमानत हो गई थी, तो अभी रिहाई नहीं हुई है? इस्लाम की खातिर लड़ी, इस्लाम की खातिर लड़ रहे हैं, किसी की बेटी को भरगला के उसके साथ धोखा करके, ये सारा को इस्लाम की खातिर कर रहे हैं? शर्म आ रही है, नहीं आ रही है, गैरत आ रही है, नहीं आ रही भैया, शब्बीर भाई आज तो विक्ट्री बना दो शंका, फिर भैया जहीर जनाब इनके हाथों में हथकड़ियां, आप देख सकते हैं से बचने के लिए, और नादरीन जिस घड़ी का इंतजार था वो बहुत सारा।